हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल तेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं जियो फाइबर के पोस्टपेड एंड प्रीपेड कनेक्शन में डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो आपको यहाँ पे बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रीपेड के केस में बता दें कि दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि 1500 रुपये आप दीजिए, एक महीना फ्री चलेगा, उसके बाद कोई भी जो प्लान आप चूज़ करते हैं 399 से लेके जितने भी प्लान हैं, उसके बाद आप हर महीने उसको रिचार्ज करेंगे तो आपके घर में फाइबर और इंस्टॉलेशन आके लग जाएगा। सिर्फ 1500 रुपये कनेक्शन देंगे, एक महीने फ्री चलेगा, उसके बाद आप अपना पैसा दीजिए, उसके बाद रिचार्ज करके चलाइए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 2500 रुपये का न्यू कनेक्शन का। अगर आप 2500 रुपये देते हैं तो इसमें 1000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। यहाँ पे एंड्रॉइड का सेट टॉप बॉक्स जियो का जो मिलता है, जिसमें आप जियो टीवी या हॉटस्टार ऐसे OTT प्लेटफॉर्म जो है उसमें देख पाएंगे, तो वो 2500 रुपये में 1000 इंक्लूड है। टोटल आप 2500 देंगे तो वो भी बॉक्स मिलेगा और फाइबर का कनेक्शन भी आके आपके यहाँ लग जाएगा। और जो प्लान लेंगे वो पहले तो एक महीने आपका फ्री चलेगा, जैसे 1500 में चल रहा था इसमें भी फ्री चलेगा, उसके बाद हर महीने आप प्रीपेड में जो भी प्लान लेंगे उसको रिचार्ज करें। तो दो ऑप्शन आपको प्रीपेड में मिल जाते हैं। अब रहा पोस्टपेड की बात, तो बता दें कि पोस्टपेड के केस में क्या है कि आपको ये जो कनेक्शन है बिल्कुल फ्री मिलता है, मगर इसमें एक कंडीशन ये है कि आप इसमें जो भी प्लान लेंगे वो आपको यहाँ पे हाफ ईयरली प्लान लेना होगा, मतलब कि 6 महीने का एडवांस उसका पेमेंट करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 399 रुपये का पोस्टपेड का कोई प्लान देते हैं, तो ये 6 महीने का आप 399 ऐसे 6 महीने का जोड़ लीजिए, जितना भी अमाउंट होता है वो अमाउंट मान लीजिए 400 हुआ तो 6×4=2400 रुपये प्लस GST भी लगता है, तो ऐसे कुल मिला के 2500 रुपये आपको देना होगा एडवांस में, और आपका ये जो कनेक्शन है वो फ्री में लग जाएगा। और ये 6 महीने बजाय 7 महीने चलेगा, इसमें भी आपको 1 महीने फ्री मिलेगा। या तो जियो की तरफ से 1 महीना ट्रायल फ्री दिया जाता है, तो दोनों ही केस में आपको फ्री में यहाँ पे जियो का जो है जियो का जो कनेक्शन है वो चलता है। मतलब कि अगर 6 महीने का प्लान देंगे तो 7 महीने चलेगा, बस इतना है। अब डिफरेंस क्या है कि अगर आप प्रीपेड लेते हैं तो प्रीपेड में क्या होता है कि आप जो भी रिचार्ज करते हैं 30 दिन के बाद वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली उस दिन बंद हो जाएगा अगर आपने रिचार्ज नहीं किया। मगर पोस्टपेड के केस में क्या, अगर आप 6 महीने का एडवांस देते हैं तो 7वां महीना ये बंद नहीं होता, वो चलता रहता, फिर आपको फिर से जो है 6 महीने का एडवांस यहाँ पे पेमेंट करना होता। आपको एक टाइम दिया जाता है कि इस बीच में आपको अगले जो 6 महीने का एडवांस है उसको आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटल ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा बिल आएगा, बिल सेम रहेगा, जितने का प्लान है वही बिल आएगा, और बस डिफरेंस ये है कि प्रीपेड बंद हो जाता है मगर पोस्टपेड का आपका जो फाइबर कनेक्शन है वो बंद नहीं होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो दोस्तों बस इतना सा ही डिफरेंस है, उम्मीद है कि अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको प्रीपेड लेना है तो ये दो प्लान है, अगर पोस्टपेड लेना है तो 6 महीने का कोई भी प्लान लेंगे उसका 6 महीने का एडवांस आपको पहले ही देंगे, तब जाके कनेक्शन लगेगा और सारा चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा, सेट टॉप बॉक्स और जो भी राउटर वाउटर आपको कुछ नहीं देना, आपके घर आके लग जाएगा, जब आप कटवाएंगे सारा वापस हो जाएगा। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट में पूछिए या Instagram पर जाके वहाँ पर Ritesh34 फॉलो करें, मैसेज करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है जो कि रियल और सही होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।